एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बात ठंड के थर्ड डिग्री टॉर्चर की। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदान में बारिश भारी पड़ रही है और हांड कपा देने वाली ठंड अब लोगों को टॉर्चर कर रही है। लेकिन लोगों को ठंड का कहर अभी और झेलना होगा। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में कड़ाके की ठंड के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदान में बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में बारिश भारी, शीत लहर में बारिश बनी मुसीबत, कड़ाके की ठंड में बारिश कहर ढा रही। नोएडा में सुबह से लगातार बारिश होती रही, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों के लिए ये बारिश मुसीबत बनकर आई। ठंड के बीच अब बारिश भी उनके सब्र का इम्तिहान ले रही। तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और अब तो बारिश भी हो रही है। हम लोग यहाँ पे ना तो कोई व्यवस्था है, हम लोग यूं ही अपने जो छोटे छोटे टेंट हैं उनमें यूं ही छुप के अपना समय व्यतीत कर रही हैं और हमारे यहाँ पे पानी भी भर गया है। लेकिन ना ही तो ये बारिश ना सर्दी हम लोगों का हौसला नहीं डिगा पाएगी और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, बारिश चाहे कितनी भी पड़ती रहे। इस बार बारिश से सिर्फ आंदोलन कर रहे किसान ही परेशान नहीं दिखे, आम लोग भी परेशान नजर आए। कुछ ऐसा ही हाल गाजियाबाद में भी देखने को मिला। 2021 का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में आज दूसरी बार बरसात हुई है गाजियाबाद में, जिसके बाद सर्दी का सितम पड़ना शुरू हो गया है, काफी ठंड बढ़ गई है। हम इस समय जहां मौजूद है वहां किसान आंदोलन चल रहा है। हम आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरीके से जो पानी है, पानी लगातार इनके टेंटों में घुस रहा है और जो यहां खाद्य सामग्री जो रखी हुई है वह भी खराब हो रही है। तो इसको लेकर किसान बहुत चिंतित है। लगातार बारिश के चलते लगातार यहाँ पर बारिश हो रही, ठंड बढ़ने लगी है। वहीं गाजियाबाद से सटे मेरठ में भी रुक रुक कर हुई बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। सुबह कोहरा इतना ज्यादा था कि यहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है और यही वजह है कि जो ठंड है उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मेरठ के कमिश्नरी चौक पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और यही वजह है कि जो वाहन है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर जो लोग हैं वो कम निकल रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड के साथ साथ ये हल्की हल्की बारिश लोगों को कपकपा रही है और यही वजह है कि जो हमारी और आपकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं वो भी अलाव जलाकर बैठे हुए हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ठंड किस कदर है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं वो कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं। लेकिन शामली में बेमौसम बरसात किसानों पर कहर बनकर टूटी। यहां बारिश उन किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई जिनके गन्ने के खेत अभी खाली नहीं हुए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।